नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार औसत खरीद दर से कम पर खरीदेगा 600 मेगावाट सोलर बिजली। बीएसएससी पेपर की पहली पाली की परीक्षा हुई रद्द। सुशांत सिंह की मौत पर पेश हुए नए दावे। बहन ने की पीएम मोदी से अपील। अब सोशल मीडिया पर भी दर्ज करा पाएंगे शिकायत। रमीज राजा ने एशिया कप 2023 कंट्रोवर्सी पर दी सफाई। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार औसत खरीद दर से कम पर खरीदेगा 600 मेगावाट सोलर बिजली। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा बिहार की बिजली आपूर्ति से जुड़े मामलों को लेकर याचिका की गई थी, जिस पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा और सदस्य एसएससी चौरसिया की बेंच के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि अब बिहार की बिजली आपूर्ति कंपनियां 600 मेगावाट सोलर बिजली की खरीद 25 वर्षों तक 2.50 रुपए प्रति यूनिट की दर से केंद्रीय एजेंसी SECI से खरीद सकती है। बेंच ने कहा कि यह वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिजली कंपनियों के औसत खरीद शुल्क से बहुत कम है। बीएसएससी पेपर की पहली पाली की परीक्षा हुई रद्द। कुछ दिनों से ऐसी खबर सामने आ रही थी कि बीएसएससी की तृतीय स्नातक परीक्षा की पेपर लीक हो गई है, जिसके बाद अब बिहार कर्मचारी आयोग के द्वारा आदेश जारी कर यह कहा गया है कि पर्चा लीक होने के बाद पहली पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई है। वहीं आयोग के द्वारा कहा गया है कि अब यह परीक्षा 45 दिनों के अंदर दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा। दरअसल पेपर लीक होने को लेकर 29 दिसंबर को अभ्यर्थी आंदोलन करने वाले थे। इसके लिए अभ्यर्थियों के द्वारा आज पटना कॉलेज में बैठक भी बुलाई गई थी। इन्हीं चीजों को देखते हुए आयोग के द्वारा यह फैसला लिया गया कि परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। अब सोशल मीडिया पर भी दर्ज करा पाएंगे शिकायत। एक तरफ जहां दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को अपनी शिकायतें करने के लिए पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय के द्वारा यह तैयारी की जा रही है कि अब सोशल मीडिया के जरिए भी लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बता दें कि अब आप ट्विटर, फेसबुक या व्हाट्सएप पर शिकायत दर्ज करवा सके। इसके लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा मैकेनिज्म डेवलप करने की तैयारी की जा रही है। इस बात की जानकारी एडीजी जेएस गंगवार के द्वारा दी गई है। जेईई एडवांस के सिलेबस में हुआ बदलाव। बीते दिन सोमवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जेईई एडवांस के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को जारी किया गया है, जिसमें जेईई एडवांस के सिलेबस को संशोधित किया गया है। वहीं जेईई एडवांस 2023 का आयोजन 4 जून को होगा। इस बात की जानकारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा छात्रों को दी गई है। बता दें कि संशोधित सिलेबस जेईई एडवांस 2023 वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अगर कोई छात्र संशोधित सिलेबस की जानकारी पाना चाहते हैं तो वह jeeadv.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। सुशांत सिंह की मौत पर पेश हुए नए दावे। बहन ने की पीएम मोदी से अपील। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 2 साल बाद मुंबई के कपूर अस्पताल के एक स्टाफ मेंबर रूपक कुमार शाह के द्वारा एक नया दावा पेश किया गया है। बता दें कि नए दावे के अनुसार सुशांत सिंह की मौत आत्महत्या से नहीं हुई, बल्कि उनकी हत्या की गई थी, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा है कि अगर इस एविडेंस में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो हम सीबीआई से आग्रह करते हैं कि इस मामले पर गंभीरता से जांच की जाए। हमें हमेशा से विश्वास रहा है कि आप इस मामले पर निष्पक्षता से जांच करेंगे और जो सच है वह बाहर लाएंगे। अभी तक हमें इस केस में क्लोजर नहीं मिला है, यह देखकर हमारे दिल में दर्द होता है। उन्होंने कहा कि रूपक कुमार शाह को सुरक्षा प्रदान की जाए। नए साल के जश्न पर पड़ा भंग। लाखों की विदेशी शराब गिरफ्त में। बिहार में शराबबंदी को लेकर पुलिस प्रशासन काफी सख्त हो गई है और लगातार शराब माफियाओं को अपनी गिरफ्त में ले रही है और उन पर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस के द्वारा वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र के मुड़ई गांव के बंसवारी से एक शराब से भरे कंटेनर समेत चालक और उपचालक को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 2 बाइक को भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। वहीं अनलोड करने के लिए आया पिकअप वैन का ड्राइवर मौका पाते ही भागने में सफल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार यह शराब की खेप नए साल के जश्न पर मंगाई गई थी। गया में कोरोना को लेकर हुई बैठक। गया में कोरोना के मामले मिलने के बाद से जिला पदाधिकारी गया डॉक्टर त्यागराजन SM के द्वारा बैठक आयोजित कर कोरोना से बचाव हेतु विशेष एहतियात बरतने का अपील किया गया है। उन्होंने कहा है कि घर से निकलने समय मास्क जरूर पहने और साथ ही कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाए। इसके साथ ही कोविड से जुड़े जितने भी प्रोटोकॉल है उसका जरूर से जरूर पालन करें। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एवं डोमेस्टिक फ्लाइट के पैसेंजरों का रैंडमली जांच किया जा रहा है। इसके अलावा दलाई लामा ट्रस्ट को यह भी निर्देश दिया गया है कि दलाई लामा से मिलने आने वाले लोगों का सबसे पहले टेस्ट करवाएं। इसके लिए तिब्बतन मॉनेस्ट्री के सामने RT-PCR जांच काउंटर भी बनाया गया है।
उच्चतर शिक्षा परिषद ने BRABU में BLED डिग्री कोर्स के लिए दिखाई हरी झंडी। उच्चतर शिक्षा परिषद के द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद बिहार में पहली बार बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन डिग्री की शुरुआत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में की जा रही है। हालांकि इस पर अंतिम मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव राजभवन भेजा गया है। इस कोर्स से कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक नियोजन में बहाली की जा सकेगी। बता दें कि BRABU में इस डिग्री की शुरुआत अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू की जाएगी, जिससे पूरे देश में मान्यता दी जाएगी। बताते चले कि यह पाठ्यक्रम पूरी तरह UGC गाइडलाइन के तहत होगा, जो कि 4 वर्षीय की होगी। अब LNMU और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी लागू होगा CBCS सिस्टम। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा अपने विश्वविद्यालय में पटना यूनिवर्सिटी की तरह CBCS यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू करने के लिए बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद को एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र में आधिकारिक तौर पर आग्रह कर इस संबंध में मार्गदर्शन की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि परिषद ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों से CBCS लागू करने का आग्रह किया था। बता दें कि दरअसल सिस्टम के जरिए स्नातक में सेमेस्टर सिस्टम प्रभावी हो जाता है। बताते चले कि जून 2022 में पटना विश्वविद्यालय में CBCS सिस्टम लागू किया गया था। सीएम नीतीश की यात्रा पर जगदानंद ने उठाए सवाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नए साल के मौके पर जिलों का भ्रमण करने वाले हैं। ऐसे में उनके इस भ्रमण को लेकर जगदानंद के द्वारा उन पर सवाल उठा दिया गया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नीतीश कुमार इससे पहले भी 17 साल में बिहार में कई यात्राएं कर चुके हैं, लेकिन इन यात्राओं से कभी कोई फायदा नहीं हुआ। अगर उन यात्राओं से कुछ भी फायदा होता तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को हर बार जिलों का यात्रा पर न निकलना होता। इससे यह साबित होता है कि उनकी कोई भी यात्रा सफल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि भले ही नीतीश कुमार ने इतनी यात्राएं निकाली पर उसका कोई फायदा सामने नहीं आया, लेकिन आज की स्थिति बदल गई है। इस बार जिस यात्रा पर नीतीश कुमार जा रहे हैं उसका फायदा जरूर निकल कर आएगा। CBI जांच से फर्क नहीं पड़ता, तेजस्वी यादव। IRCTC मामले में CBI जांच को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा पटना पहुंचने पर बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर पहले भी जांच की जा चुकी है, लेकिन उस समय कुछ नहीं मिल पाया तो एक बार फिर इस केस को रीओपन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही CBI से कहा था कि मेरे घर में ही दफ्तर बना ले और जांच करते रहे, हमें CBI जांच से कोई फर्क नहीं पड़ता। लालू जी हो या हम लोग का जीवन, सभी का जीवन खुला किताब है। उन्हें जितनी बार जांच करनी है कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी ने कसा तंज। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर नीतीश कुमार के द्वारा बयान दिया गया था, जिस पर बिहार भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद के द्वारा वीडियो ट्वीट कर नीतीश कुमार पर हमला किया गया है। उस वीडियो में नीतीश कुमार भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहते दिख रहे हैं कि वो हम नहीं जानते, हमको कुछ नहीं पता है। इसके साथ ही निखिल आनंद ने दूसरा ट्वीट करते हुए कहा कि गजब आदमी है भाई नीतीश जी, राहुल गांधी को इग्नोर करके PM बनना चाहते हैं। याद होगा लालू जी संग नीतीश जी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास गए थे तो भाव नहीं मिला, फोटो तक नहीं खिंचवाया था, लगता है उसी का बदला नीतीश जी ले रहे हैं। सीएम नीतीश करेंगे 29 को वकीलों के साथ बैठक। सरकारी वकीलों के फीस बढ़ोतरी को लेकर हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर करने वाले वकील SS सुंदरम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 29 दिसंबर 2022 को 4:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वकीलों की अहम बैठक होने वाली है। दरअसल यह अहम बैठक हाईकोर्ट के सरकारी वकीलों के फीस बढ़ोतरी मामले को लेकर आयोजित की गई है। बता दें कि फीस बढ़ोतरी के मामले पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के द्वारा सुनवाई की गई थी, जिसमें कहा गया था कि इस मसले पर राज्य सरकार करे। रमीज राजा ने एशिया कप 2023 कंट्रोवर्सी पर दी सफाई। रमीज राजा ने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप 2023 के कंट्रोवर्सी पर अपने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मेरे मन में भारतीय फैंस के लिए बहुत सम्मान है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने भारत में काम करने के दौरान खूब लुत्फ उठाया है। उन्होंने कहा कि लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब एशिया कप की मेजबानी हमें मिली, ऐसे में भारत ने सोचा कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे और इस वजह से एशिया कप एक न्यूट्रल वेन्यू पर आयोजित किया जाएगा, क्योंकि यह पाकिस्तान में नहीं हो सकता। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े ही लंबे समय के बाद पाकिस्तान को एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है, तो मैंने उसी के आधार पर अपना पक्ष रखा था, लेकिन भारत ने बिना किसी मीटिंग बिना किसी बातचीत के यह तय कर लिया था कि पाकिस्तान से टूर्नामेंट की मेजबानी वापस ले ली जाए, जिसके बाद हमने भारत के खिलाफ इस मसले पर एक स्टैंड लिया और भारत ने इसे अलग ढंग से पेश कर दिया। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97
7 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, कुश कुमार यादव, कुमारी संजना, अमर आजाद, अजय कुमार, परमात्मा सिंह, रंजीत मिश्रा, कुलदीप कुमार, विकास कुमार, नुन्नू गोलू कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, ऋषि कुमार, मुक्तेश्वर यादव, आरोही रॉय, रविशंकर। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार राज्य में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।